आपका अपना YouTube चैनल माई बोर्ड माई रिजल्ट पे आपका स्वागत है। चलिए, तो आप बहुत दिनों से विद्यार्थी को असमंजस में हैं, क्या सीटेट का एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा। अगले मंथ जो डेट फिक्स किया गया है उस दिन एग्ज़ाम होगी या नहीं होगी, तो मैं आज ये क्लियर करना चाहूँगा कि सीटेट का एग्ज़ाम कब होगी, या कोई नोटिस आया है या नहीं, या सारा चीज़ क्लियर हुआ है या नहीं। चलिए वीडियो को लास्ट तक देखें तो आपको सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा। चलिए, तो हम शुरू करते हैं, और आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि सीटेट की एग्ज़ाम अगले मंथ होने वाली है, जो कोरोना वायरस को लेके असमंजस में है कि क्या एग्ज़ाम होगी या नहीं होगी, इसके लिए कब होगी परीक्षा, एडमिट कार्ड कब जारी होगा। तो हम इसको चलते हैं, जैसे आज के समाचार पत्र में भी बहुत सारे खबर आए हैं, कल के भी समाचार पत्र में बहुत सारे खबर आए हैं, विद्यार्थी के माइंड में है कि एग्ज़ाम होगा कि नहीं होगा, वो क्लियर नहीं हो पा रहे हैं, तो हम उसको सारा क्लियर करेंगे। तो चलिए देखिए, आज का सबसे पहला न्यूज़ जो आया हुआ है पेपर में, उसको हम देखते हैं क्या आया हुआ है। सीटेट 5 जुलाई को गत वर्ष का पेपर जारी, मतलब गत वर्ष पिछले साल का पेपर जारी किया है सीटेट। 5 जुलाई को एग्ज़ाम होगी या नहीं होगी ये अभी क्लियर तो नहीं किया, लेकिन गत वर्ष का पेपर जारी किया है। 5 जुलाई को आयोजित सीटेट केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा को लेकर सीबीएसई बोर्ड ने पिछले साल की परीक्षा के पेपर जारी किए हैं। सीबीएसई की ओर से सीटेट का आयोजन आगामी 5 जुलाई को होगा। बोर्ड ने अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा की तैयारी के मद्देनजर पिछले सालों के पेपरों को जारी किया है, तो पेपर जारी किया गया है तो कुछ भी हो सकता है, इसलिए अभी कंफर्म नहीं होगा। जब तक कंफर्म नोटिफिकेशन, ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आ जाती, तब तक हम कंफर्म नहीं हो सकते कि एग्ज़ाम होगा कि नहीं होगा। चलिए देखिए क्या है, CTET, JEE Mains, NEET 2020 पर संकट। जैसे कि आपको बता दें कि JEE Mains और NEET की एग्ज़ाम को तो कैंसिल कर दिया गया है, तो अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि CTET भी कैंसिल होगा, लेकिन अभी ऑफिशियल कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया है। जब तक कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आ जाता है, तब तक किसी भी वीडियो या कोई भी पर विश्वास किया जाना नहीं है। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या लिखा है। CBSE ICSE की छुट्टी परीक्षाओं पर बने गतिरोध के बीच CBSE की ओर से 5 जुलाई को प्रस्तावित केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा को लेकर संकट खड़ा हो गया। मतलब इसमें भी वही बताया जा रहा है कि सीटेट को भी कोई भी निर्णय नहीं लिया गया, उम्मीद है कि आज शाम तक निर्णय ले लिया जाएगा। जैसे ही कोई ऑफिशियल नोटिस आती है आपको तुरंत यहां सूचना मिल जाएगी, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबा लें कि आपको कोई भी नोटिस आपको तुरंत मिल जाएगा। चलिए और आगे देखते हैं क्या है। 5 जुलाई को CTET के साथ ही 18 से 23 जुलाई के बीच JEE Mains, 26 जुलाई को मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट को लेकर भी संकट के बादल मंडरा रहे हैं। कोरोना संकट की वजह से मानव संसाधन विकास मंत्रालय की ओर से यदि CBSE ICSE की 10वीं और 12वीं की परीक्षा नहीं हुई तो सरकार के लिए सीटेट, JEE Mains और नीट कराना भी संभव नहीं होगा। सीटेट, JEE Mains और नीट जैसी परीक्षाओं में लाखों की संख्या में परीक्षार्थी शामिल होते हैं। इनका देश के अलग अलग भागों में केंद्र बनाया जाता है। इसमें शामिल होने हॉटस्पॉट क्षेत्र और कंटेनमेंट जोन के परीक्षार्थी भी आएंगे। ऐसे में परीक्षा में शामिल होने वाले दूसरे परीक्षार्थियों को संक्रमण से बचाना आसान नहीं होगा। JEE Mains के बाद 23 अगस्त को JEE एडवांस की तिथि भी तय की गई है। इसलिए दोस्तों अभी कोई भी नोटिफिकेशन क्लियर नहीं कर पा रहा है या सीटेट होगा या नहीं होगा। उम्मीद है कि आज शाम तक इस पे सीटेट पे क्लियर हो जाएगा कि एग्ज़ाम होगी या नहीं होगी अगले महीने। इसलिए दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखें, और अगले नोटिफिकेशन जो कब होगी, एग्ज़ाम क्या होगी, उसके लिए मैं एग्ज़ाम कब होगी नहीं होगी, इसके लिए मैं अगले वीडियो में आपको सारा डिटेल बताऊंगा। जैसे ही ऑफिशियल नोटिफिकेशन आता है तो चैनल पे बने रहें, आपको हर नोटिफिकेशन की खबर मिलती रहेगी, इसलिए चैनल पे बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। बेल आइकन दबा लेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी, जैसे ही मेरा कोई वीडियो अपलोड होगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। चलिए दोस्तों, ठीक है।